बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय नेम इज़ राफिया अशरफ। आज हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे जो कि किंगडम एनिमेलिया के बारे में है, और आज हम इसमें फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस करेंगे। फाइलम पोरीफेरा जिसको मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स भी कहा जाता है, इसका नाम इज़ ड्राइव फ्रॉम लेटिन वर्ड पोरस पोर्स से, एंड फेरा का मतलब बियर, यानी कि वो एनिमल्स जो कि पोर जिनके में प्रेजेंट होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स इनको कहा जाता है। द पोरीफेरा आर पोर बियरिंग एनिमल्स कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, और कॉमनली इनको स्पॉन्जेस का नाम भी दिया जाता है। ये तमाम के तमाम एक्वेटिक एनिमल्स हैं। उसके अलावा इनमें टोटल 5000 स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं, जिसमें से 150 स्पीशीज़ जो हैं वो फ्रेश वाटर में मौजूद होती हैं, जबकि बाकी सारी की सारी मेरीन इन्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। अब अगर हम इनकी जनरल करेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखें तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और कोई ऑर्गन्स इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। बहुत सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये इनमें मौजूद हैं। इसके अलावा इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई बॉडी प्रॉपर शेप नहीं होती, कोई एक ख़ास तरतीब मौजूद नहीं होती बॉडी की। बॉडी वॉल जो है वो तकरीबन दो लेयर से मिलकर बनी हुई होती है। एक आउटर लेयर जिसको पाइनेकोडर्म कहा जाता है, जिस जो कि कंसिस्ट करती है सेल्स पर, जिनको पाइनेकोसाइट्स भी कहा जाता है। इसी तरह से एक इनर लेयर होती है जिसको क्वेनोडर्म कहते हैं, और जो सेल्स से मिलकर बनी होती है जो इनर लेयर, उसको क्वेनोसाइट्स कहा जाता है। इसके अलावा बिटवीन दिस टू लेयर्स एक जेलेटिनस मेसेनकाइमा प्रेजेंट होता है, जो कि अमीबॉइड सेल से मिलकर बना हुआ होता है, और जिनमें स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इसके स्केलेटन को बना रहे होते हैं, जो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इसके स्केलेटन के बारे में। स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पॉन्जिंग फाइबर्स भी कहा जाता है। वो एक मेसेनकाइमा सेल्स मेसेनकाइमा लेयर बना रहे होते हैं, जो कि उसके आउटर और इनर लेयर के दरमियान में मौजूद होती है। इसके अलावा इनका अगर हम साइज़ को देखें तो इसका साइज़ वेरी करता है, फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू मोर देन 1 मीटर टॉल जो हैं ये हो सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जो कि हम अपनी नेकेड आई से अपनी बज़ाहिर आँखों के साथ देख सकते हैं। अगर हम एक इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट जो उन्होंने दिया है वो ये कि स्कोलीमेस्ट्रा जोबिनी एक बैरल शेप क्लास स्पॉन्ज होती है, जो कि अंटार्कटिका में मौजूद पाई जाती है। उसकी जो साइज़ होता है उसका, वो 1 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी हो सकती है। यहाँ पे आप उसकी फिगर देख सकते हैं। इसका नाम स्कोलीमेस्ट्रा जोबिनी एक स्पॉन्ज है, जिसको आप ग्लास स्पॉन्ज भी कहते हैं। अब अगर हम बात करें इसके स्पॉन्जो सील की, कि कैविटी इसके अंदर जो मौजूद होती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है इनसाइड द बॉडी, जिसको स्पॉन्जो सील कहा जाता है। स्पॉन्जो का वर्ड निकला है फ्रॉम द स्पॉन्ज, एंड सील बॉडी कैविटी को कहा जाता है, क्योंकि सिंगल कैविटी प्रेजेंट होती है इसलिए इसको स्पॉन्जो सील कहते हैं। इट मे बी डिवाइडेड इंटू फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स और कैनाल्स लाइंड बाई फ्लैजिलेटेड क्वेनोसाइट्स। ये एक खास किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसकी इंटरनल चैम्बर्स के अंदर, जो कि कैनाल्स बना रही होती है और जो फ्लैजेला के बने हुए होते हैं। इसको आप क्वेनोसाइट्स कहते हैं, जो कि न्यूमरस पोर्स जो हैं उसकी बॉडी वॉल में प्रेजेंट होंगे, जो कि ऑब्वियसली उसकी हमने भी पहले डिस्कस किया कि पोरीफेरा इनको कहा जाता है, पोर बियरिंग एनिमल्स इनको कहा जाता है। तो इसमें बहुत सारे पोर्स जो हैं इनकी बॉडी वॉल के अंदर मौजूद होते हैं, जिसमें कुछ स्पेशलाइज उनको किया गया है कि कुछ जो हैं उनको ऑस्टिया कहा जाता है, जो पोर्स जिनके थ्रू वाटर जो है वो इनके अंदर एंटर होता है उनको ऑस्टिया कहेंगे, और वो पोर्स जिनके थ्रू वाटर यहाँ से रिमूव होगा उसको ऑस्कुलम बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फिगर दिखाई हुई है जिसमें आप ये देख सकते हो कि इसके ये पोर का स्ट्रक्चर, स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि ये ऑस्कुलम है जो कि सिंगल बॉडी कैविटी में एंटर हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कि पाइनेकोडर्म जो उसकी आउटर लेयर है उसको पाइनेकोडर्म कहते हैं, और इनर डर्म जो है उसको क्वेनोडर्म जो है बोला जाता है। क्वेनोडर्म में अगर आप देखें तो जो सेल्स मौजूद होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये छोटे छोटे बैरल शेप स्ट्रक्चर्स हैं जिनको क्वेनोसाइट्स कहा जाता है। ये क्वेनोसाइट्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये आपको इनलार्ज करके दिखाया गया है कि ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये वेरियस फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और इन फ्लैजेला की मदद से वाटर मूवमेंट होती है, जो कि ये अंदर की तरफ करते हैं अपनी फूड जो है उसको हासिल करने में, और वाटर के थ्रू, वाटर करंट्स के थ्रू जो फूड बॉडी के अंदर एंटर होगी उसको ये कैप्चर कर रहे होते हैं।
अब हम अगर इनके न्यूट्रिशन की बात करें कि ये न्यूट्रिशन कहाँ से हासिल करते हैं और इसका क्या सोर्स है न्यूट्रिशन का, तो सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखिए कि स्पॉन्जेस जो हैं वो सिजाइल होते हैं, साकिन होते हैं, एक ही जगह पर मौजूद होते हैं, स्टिक किए हुए होते हैं। देयरफॉर इसीलिए ये अपनी फूड जो है ना उसके लिए डिपेंड करते हैं वाटर करंट्स पर, कि वाटर करंट्स की पानी की जो लहरें आती हैं उसके साथ जो फूड आ रही है ये उसको कैप्चर कर सकें। अब जो फूड उन पानी की लहरों के साथ आती है वो दो तरह की हो सकती है, मिस छोटे छोटे एनिमल्स भी हो सकते हैं जिनको जू प्लांकटन कहा जाता है, जबकि कुछ छोटे छोटे आबी पौधे भी हो सकते हैं जिनको जू सॉरी फाइटोप्लांकटन बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम देखें तो ये दोनों जू प्लांकटन एंड फाइटोप्लांकटन टोटल मिलकर जो है इस की फूड का तकरीबन 20% जो है ना फूड बना रहे होते हैं, बाकी का जो 80% इसकी फूड होती है वो कंसिस्ट कर रही होती है डेट्रिटल ऑर्गेनिक पार्टिकल्स पर, डेट्रिटल मटेरियल पर, जो कि पानी के अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उस पर डिपेंड कर रही होती है। द वेस्ट प्रोडक्ट्स आइदर डिफ्यूज आउट ऑफ द स्पॉन्ज डायरेक्टली थ्रू द बॉडी वॉल और फ्लो आउट थ्रू ऑस्कुलम। उसके बाद जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगी बॉडी कैविटी के अंदर, जैसे ही वो फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसकी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होंगे वो या तो उसकी बॉडी वॉल के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे डिफ्यूजन के प्रोसेस से, या फिर वो उसकी जो सिंगल ओपनिंग है जिसको ऑस्कुलम कहा जाता है उसके थ्रू बॉडी में से बाहर निकल जाएंगे। फिर आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट एक सिस्टम है जो कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी एनिमल के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोऑर्डिनेशन का काम परफॉर्म कर रहा होता है। तो अब इसमें अगर हम देखें तो इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड और कोई डेफिनेट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन कुछ न्यूरोसेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि न्यूरॉन सेल्स भी कहला सकते हैं, जो कि वाटर के अंदर आने को और उसके बाहर जाने को, उसकी कोऑर्डिनेशन जो है थोड़ी बहुत जो उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में हो रही होती है उसको कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा साथ साथ इसमें कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता और कोई सर्कुलेटरी सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये थ्रू जनरल बॉडी सरफेस हो रहा होता है, इसकी पूरी बॉडी सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन के प्रोसेस से कैरी आउट हो रहा होता है। फिर अगर हम देखें कि स्केलेटन क्या है इसका, कि किस तरह से बॉडी जो है वो इरेक्ट होती है, बॉडी एक अपनी शेप बरकरार रखती है, तो वो उसके हवाले से उन्होंने कहा हुआ है कि वो छोटी छोटी नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी वॉल के अंदर, जिसको आप स्पाइक्यूल्स कहते हैं। या अभी हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि जो मेसेनकाइमा लेयर होती है, जो कि आउटर लेयर और इनर लेयर के दरमियान में मेसेनकाइमा लेयर जेलेटिनस मटेरियल प्रेजेंट होता है, वहाँ पर ये नीडल शेप स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको स्पाइक्यूल्स कहा जाता है। ये स्पाइक्यूल्स जो होते हैं ये कैल्शियम के भी बने हो सकते हैं, या इसके अलावा ये सिलिका के भी बने हो सकते हैं, जो कि ये वाटर में से जो समुद्री पानी होता है या मेरीन वाटर होता है वहाँ से हासिल कर रहे होते हैं, उस पानी में मौजूद कैल्शियम एंड सिलिका जो मौजूद हो गए उससे मिलकर बने हुए होते हैं। उसके अलावा जो बाथ स्पॉन्ज होता है, बाथ स्पॉन्ज जो कि बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, उसके अलावा ये कॉमनली यूज होता है फॉर बाथिंग प्रोसीजर, होम एक होम इक्विपमेंट है जो हम अपने वॉशरूम्स में यूज़ करते हैं, जो इसका स्केलेटन जो है वो एक स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा स्केलेटन जो है वो पाइनाइकोसाइट्स में भी प्रेजेंट होता है। उसके अलावा इसमें ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ऑब्वियसली उसकी बॉडी को मेंटेन रखता है। स्पाइक्यूल्स जो हैं वो ऑस्क्यूलम और ऑस्ट्रिया के अराउंड भी प्रेजेंट होते हैं और उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं, उन पोर्स को ओपन रखते हैं ताकि उसके अंदर वाटर का जो आना और जाना है या उसकी एंट्री और एग्जिट है उसको पॉसिबल बना सकें। फिर आती है इसकी रिप्रोडक्शन की बात, कि ये अपनी रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। तो स्पॉन्जेस के अंदर रिप्रोडक्शन दोनों तरीकों से होती है, यानी कि सेक्सुअल मीन से भी और एसेक्सुअल मीन से भी, ठीक है। एसेक्सुअल अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पॉन्जेस के अंदर या फाइलोपोरिफेरा के अंदर थ्रू बडिंग प्रोसेस होती है। बडिंग जो है आपको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, कि एक आउटग्रोथ बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है, वो बर्ड जो है वो आउटग्रोथ बाद में सेपरेट होकर एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बर्ड्स जो हैं वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं, ठीक है। जिन्हें एक्सटर्नल होंगे तो वो तो सिंपली कहते हैं रिलीज हो जाएंगे और उसके बाद एक अलग बॉडी बना देंगे, लेकिन जो इंटरनल बर्ड्स होते हैं उनको उन्होंने कहा है कि गैम्यूल्स का नाम दिया जाता है, गैम्यूल्स कहते हैं। और ये गैम्यूल्स का क्वेश्चन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, बोर्ड में आपके क्वेश्चन आता है, तो ये आपने लाजमी इसको जहन में रखना है। फिर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हवाले से उन्होंने कहा है कि दे आर हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट जो है इसका मतलब होता है कि जिसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हेमोफ्रोडाइट होने के साथ साथ दे आर प्रोटेंड्रस, प्रोटेंड्रस भी इनको है कि प्रोटेंड्रस होते हैं। प्रोटेंड्रस का मतलब है कि मेल सेक्स जो है वो पहले डिवेलप होता है और बाद में फीमेल सेक्स जो स्ट्रक्चर है वो डिवेलप होता है या उसका ऑर्गन डिवेलप हो रहा होता है। फिर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है उसके अंदर ब्लास्टुला और लार्वल स्टेजेस बिल्कुल वैसे ही प्रेजेंट होती हैं जैसे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल स्टेजेस में इन्वॉल्व होती हैं। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देखें तो सबसे पहले एक एग्जांपल जो कि एक मेरीन स्पॉन्ज की है जिसको साइकोन कहा जाता है, वो आप देख सकते हो कि उसको साइकोन कहते हैं और एक टिपिकल मेरीन स्पॉन्ज कहलाती है। इसके अलावा ल्यूकोसेलिनिया है जो कि कंसिस्ट करती है ग्रुप ऑफ इरेक्ट ट्यूब्स पर, जिसकी आप फिगर देख सकते हो यहाँ पर कि किस तरह से बिल्कुल इरेक्ट ट्यूब्स की एक बिल्कुल एक गुच्छा सा बना हुआ है जो कि ट्यूब्स की फॉर्म में नज़र आपको आ रहा है और ओपनिंग्स उसकी पोर्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं। थर्ड जो एग्जाम्पल इसमें है दैट इज़ यूप्लेक्टेला, जो कि कॉमनली वेनस फ्लावर बास्केट भी इसको कहा जाता है और इसकी भी आप शेप देख सकते हो कि कितना डेलिकेट और कितना प्यारा ये फ्लावर बास्केट की फॉर्म में आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको जहन में रखना है दैट इज़ अबाउट इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस, कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, किस तरह से ये कमर्शियली या इन्वायरमेंटली किस तरह से ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्पॉन्जेस जो हैं वो इंसान बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहा है उसको आप बाथ स्पॉन्ज के तौर पर वॉशिंग के लिए, इसके अलावा बाथिंग के लिए, उसके अलावा बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के अंदर, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर जो है नेचुरल स्पॉन्जेस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा मांग है। डिफरेंट हिस्सों में, दुनिया के डिफरेंट हिस्सों में इसको इस्तेमाल हो रहा है इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, इसके अलावा सबसे ज़्यादा मेडिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि इसमें एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है कि एब्जॉर्ब कर सकता है लिक्विड को, तो इसलिए मेडिकल इंडस्ट्री में ब्लड को स्पॉन्ज ब्लड मतलब ब्लड को एब्जॉर्ब करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आता है। इसके अलावा बेस्ट कमर्शियल स्पॉन्जेस जो है उन्होंने कहा है मेडिटेरेनियन सी के वाटर में मौजूद होते हैं। फिर इसमें ग्रेट कैपेसिटी होती है वाटर को एब्जॉर्ब करने की। इसके अलावा ये सर्जिकल ऑपरेशंस में, सर्जरी के दौरान ब्लड लॉस को, ब्लड को, फ्लूड को एब्जॉर्ब करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, साउंड को एब्जॉर्ब करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।